अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकेट। आज आपके लिए इस गाड़ी का रिव्यू लेके आए, ये होंडा N1 है और आज आपको इस गाड़ी की फुल डिटेल देंगे और ये बेज कलर में मौजूद है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ सबसे पहले इसकी बैक लुक की तरफ आते हैं तो ये आप इसके बैक से लुक देख सकते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। बैक पर वाइपर मौजूद है, होंडा का लोगो विद क्रोम हाईलाइट्स, बैक स्क्रीन आप देख सकते हैं प्राइवेसी ग्लास में। उसके साथ साथ इसमें डिफॉगर मौजूद है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, उसके ऊपर आपको वॉशर दिया गया है और एंटीना भी देख सकते हैं। और ऊपर इसका जो रूफ़ है वो आप देख सकते हैं ब्राउन के साथ है, डुअल टोन में बेसिकली ये गाड़ी बेज और ब्राउन की कॉम्बिनेशन के साथ जो काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। बाकी इसकी टेल लाइट की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं LED में मौजूद है इसकी टेल लाइट्स। यहाँ पे साइड टर्न सिग्नल, नीचे रिवर्स लाइट और यहाँ पे तलहा मोटर्स जिन्होंने गाड़ी प्रोवाइड की रिव्यू के लिए और N1 की बैजिंग है। चलें इसका यहाँ से बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे बटन होगा, ये प्रेस करेंगे तो ये 1 टेस्ट से ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे हम चेक करते जाएं तो नीचे आप देख सकते हैं स्पेस दी गई है लेकिन स्पेयर व्हील नहीं है। अगर मेरे हाल में स्पेयर व्हील होता तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। बाकी बूट स्पेस की बात करें तो एक हैचबैक के लिहाज से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मौजूद है इसमें और इंटीरियर भी आपको आगे चल के हम दिखाएंगे। बाकी अगर आपका लग स्पेस आपने बढ़ाना है अपनी स्पेस को तो आप इन जो बैक सीट्स हैं इन दोनों को फोल्ड करके अपनी स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। और इसको बंद करें तो यहाँ पे आपको रियर व्यू कैमरा भी नज़र आएगा, इस तरह बंद कर लेना है। और साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं इसकी। और अगर हम नीचे आ जाएँ तो टायर्स की बात कर लेते हैं पहले। 155/65/14 ये इसकी टायर प्रोफाइल है और 14 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स हैं। और आप डिज़ाइन देखें, मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। मुझे आप कमेंट से बताइएगा बाकी आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा। ब्राउन के साथ क्रोम की जो फिनिशिंग दी गई है काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। क्रोम डोर हैंडल्स हैं, क्रोम लाइनिंग देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं एक कट जो कि काफ़ी प्रनाउंस है, फ्रंट इसके फाइंडर तक जा रहा है। और ऊपर आ जाएं तो आपको एयर प्रेस इंस्टॉल मिलेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैट फिनिश दी गई है और डोर ओपनर आप देख सकते हैं क्रोम में मौजूद है। चलें इसको ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ये इसकी कुछ डोर की लुक। यहाँ पे आ जाएं तो डोर ओपनर देख सकते हैं, वुडन ट्रिम दी गई है और ये पूरा ब्राउन में है इसका डोर। नीचे स्पीकर मौजूद है, बॉटल होल्डर, पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं और ये है कुछ इसकी सीट्स जो कि आप देख सकते हैं ब्राउन लेदर के साथ आपको फैब्रिक दिया गया सेंटर में और काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन लग रहा है इनका। पीछे 2 हेडरेस्ट मौजूद हैं, सीट बेल्ट दिए गए हैं और पीछे 2 बंदे कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। और लेग स्पेस आप देख सकते हैं यार, इतनी तो मेरे हाल में किसी सेडान में भी स्पेस नहीं होती जितनी इस हैचबैक में स्पेस मौजूद है। बाकी 90 डिग्री एंगल पे इसके डोर्स ओपन हो रहे हैं जो एक काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट डोर की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको स्मार्ट एंटी सिस्टम मिलेगा, क्रोम डोर हैंडल्स हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे ओपन होते हैं जो एक काफ़ी अच्छी बात है। क्रोम में डोर ओपनर, उसके साथ साथ वुडन ट्रिम, पावर विंडो, स्पीकर, बॉटल होल्डर और यह है कुछ इसके डैशबोर्ड की लुक जो कि यार नॉनदलेस बहुत ही ब्यूटीफुल लुक प्रोवाइड कर रही है। फ्रंट सीट्स भी आप देख सकते हैं, सेंटर में आर्मरेस्ट मौजूद है। बाकी मुझे आप कमेंट से बताइएगा कि आपको इसके डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है वो कैसा लगा। और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है इसमें क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन है तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, अंदर जाके डिस्कस करेंगे वो सारे फीचर्स। ORVM देख सकते हैं, ये आपको मैट फिनिश दी गई है यहाँ पर, उसके साथ साथ ये इसके रूफ़ के आपको कलर में मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउन रूफ़ है तो ब्राउन आपको इसके ORVM मिलेंगे। साइड टर्न सिग्नल के साथ बेसिकली 3 कलर्स का यूज़ किया गया इस गाड़ी में, सबसे पहले बेज का, उसके साथ साथ ब्राउन और इसकी कुछ कुछ जगहों पे मैट ब्लैक का भी यूज़ किया गया जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है इसको। और बाकी गाड़ी की जो फ्रंट लुक है बैक की तरफ वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रही है। चलें इसकी हेडलाइट की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें प्रोजेक्टर मौजूद है, नीचे साइड टर्न सिग्नल और क्रोम के एलिमेंट्स का भी यूज़ किया गया इसकी हेडलाइट में जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। होंडा का लोगो है, क्रोम की गार्निशिंग और राउंड में इसकी लाइट दिए गई हैं जैसे कि मिनी कूपर वगैरह में आती हैं। बाकी इसकी ग्रिल की बात करें तो आप देख सकते हैं वो मैट ब्लैक फिनिश में मौजूद है, उसके साथ साथ क्रोम की हाइलाइट्स दी गई हैं उसकी सराउंड पे। उसके साथ साथ नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट इंस्टॉल मिल जाएगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें चलें तो आप देख सकते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन एक हैचबैक के लिए ऐसे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, आपको कहीं मसला नहीं होगा, पूरे इस्लामाबाद में घुमा सकते हैं।
हाँ ये है कि जहाँ पे यहाँ पे हमारे कोई किलर किस्म के जंप्स हैं जो गाड़ियों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होते हैं, तो उस जंप पे शायद लग जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। बाकी आप इस साइड से इसकी साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। चलिए मैं सब इसका बोनट बंद करते हैं और आपको इसका इंजन दिखा देते हैं। और यह है इसका 660 सीसी अड्रीम टेक्नोलॉजी के साथ पेट्रोल इंजन, जो कि अच्छे नंबर ऑफ पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। और बाकी अगर हम एवरेज की बात करें तो 20 से ऊपर ही आपको एवरेज देगी, क्योंकि हैचबैक जितनी भी गाड़ियाँ जैपनीज वो आपको एवरेज के मामलों में काफ़ी अच्छी एवरेज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इनको कोई आप हिली एरियाज पर लेके जाएंगे नहीं, ज़्यादातर सिटी में चलेंगी तो आपको जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेंगी। और अगर आप लाइट फुट से चलाते हैं तो आपको उससे ज़्यादा भी एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह ड्राइव करते हैं। बाकी आप इंजन देख सकते हैं, ऐसे लगता है कि भाई अभी जैसे कि शोरूम से निकल के आई हो, इतना क्लीन इंजन है इस गाड़ी का। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसका इंजन देरिया देख के कैसा लगा। मैंने तो इसका बोनट ओपन किया, मुझे इंजन देख के काफ़ी खुशी हुई है कि भाई इतना साफ इसका बोनट है। बाकी आप कोई भी गाड़ी बाय कर रहे हो तो उसको लेने से पहले प्रॉपर चेक ज़रूर करवाया करें, उसके इंजन की कंडीशन को चेक किया करें, उसके साथ साथ बॉडी वर्क को और उसके साथ साथ इंटीरियर को भी प्रॉपर चेक करवाया करें। आप किसी ऑनलाइन फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मैकेनिक्स भी हैं, उनकी मदद लेके भी गाड़ी को ईजिली चेक करवा सकते हैं। और अगर आप खुद चेक कर सकते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। बाकी आप इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं और वहाँ जाके आपको इसके इंटीरियर में दिखाते हैं। इंटीरियर में थोड़ी स्पेशल चीज़ें हैं तो आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि इसका इंटीरियर किस तरह का है। व्यूअर्स, हम इस गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं 3-spoke स्टीयरिंग व्हील है, और यहाँ पे आपको जो पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम के रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, सोर्स का बटन है और SIS एयरबैग दिया गया है। और फिर मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि यार ये जो पियानो ब्लैक फिनिश है ना, ये काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। और इधर आपको हेडलाइट के रिलेटेड कंट्रोल, दूसरी तरफ वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल्स, और की दिखाता हूँ इसकी, स्मार्ट सी की है भाई इसकी, ये देखें आप, लॉक और अनलॉक का फंक्शन है इसमें। और इस तरफ आप देख सकते हैं होंडा का एम्बलम के साथ साथ आपको जिस तरह इसके इंटीरियर में आपको दिया गया भाई वुडन ट्रिम का टच, इसी तरह इसकी की पे भी दिया गया, जो काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। चलें गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ब्रेक पे पाँव रख के। कहाँ पे गया पुश स्टार्ट, ये रहा पुश स्टार्ट, आप देख सकते हैं ये है कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि 140 मिलीमीटर है। उसके साथ साथ यार आप देखो जैसे मिनी कूपर में आता है ना, उस तरह का मुझे फुल डिज़ाइन लग रहा है। 8000 RPM है और काफ़ी ज़्यादा चेक लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं मौजूद हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अभी इकोन का बटन आ रहा है भाई, शो करवा रहा है, सीट बेल्ट की इंडिकेशन शो करवा रहा है और बाकी पेट्रोल दिखा रहा है और काफ़ी ज़्यादा और भी इंफॉर्मेशन है। और इधर आ जाएं तो इसका एंड्रॉइड यूनिट आप देख सकते हैं। और सबसे पहले जाते हैं मेन मेन्यू पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब मिल जाएगा, वीडियो, स्टीयरिंग व्हील हम देखते हैं, सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, आप सेट कर सकते हैं इजीली अपनी मर्जी के मुताबिक। आपको नेविगेशन दिया गया, म्यूज़िक प्लेयर है और टच इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा टच सेंसिटिव है। और उसके साथ साथ गूगल नेविगेशन सारी चीज़ें ब्लूटूथ इसमें अवेलेबल है। और टच मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इसका टच है। और सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग आप देख सकते हैं, कार सेटिंग्स सारी आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी, आप इजीली इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। गूगल ठीक हो गया, सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और नेटवर्क मतलब एंड्रॉइड पैनल है तो आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके मोबाइल में अवेलेबल होती हैं। और ऊपर चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ, तो डैशबोर्ड की क्वालिटी भी नो डाउट यार काफ़ी अच्छी है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा यार, लेकिन मुझे, मैं काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में बैठता हूँ तो मुझे इसके जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है ना, नन द लेस बाकी जो जैपनीज है उनसे भी थोड़ी सी बेटर लग रही है। और यहाँ पे भी आपको SRS एयरबैग दिया गया, साइड कटन एयरबैग भी मौजूद है यहाँ पे। और ब्रेक व्यू मिरर की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी क्लियर व्यू दे रहा है। सनशेड ओपन करें तो इसमें वेरी में मौजूद है, ऊपर लाइट देख सकते हैं। और इस तरफ ओपन करें तो इस तरफ भी सनशेड में वेरी में मौजूद है, काफ़ी बड़े साइज़ के वेरी मिरर्स हैं और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हैंडल्स दिए गए हैं। और उसके साथ साथ डैशबोर्ड की तरफ वापस आ जाते हैं और यहाँ पे अगर सराउंड पे आएँ तो आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश दी गई इसके एंड्रॉइड यूनिट के सराउंड पे भी। और ये जो फिनिशिंग है ना यार, ये बहुत अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रही है, मुझे आप कौन से बताना है कि आपको एक कैसी लुक प्रोवाइड कर रही है। और उसके साथ साथ अगर हम इधर आ जाएं तो इस इवेंट भी आप देख सकते हैं, सराउंडिंग पे क्रोम की हाईलाइट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। और यहाँ पे स्पेस मौजूद है, कप होल्डर दिया गया है
और इधर आ जाएं तो हेजलाइट का बटन है, उसके साथ साथ एसी के लेटेस्ट सारे कंट्रोल्स हैं और यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है गाड़ी, उसके साथ साथ पुश स्टार्ट दिया गया है और रेड के साथ ये सिल्वर काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। स्पेस मौजूद है, यहाँ पर आप अपनी की वगैरह रख सकते हैं। उसके साथ साथ नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको भाई हीटेड सीट के बटन मिलेंगे। फ्रंट जो दोनों सीट हैं वो हीटेड है, मैंने अभी अपनी ऑन की थी तो मुझे महसूस भी होने लग गया कि भाई सीट हीट होने लग गई है। और पावर आउटलेट आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की दी गई है, उसके साथ साथ दो USB चार्जिंग दिए गए हैं और नीचे स्पेस मौजूद है। और अगर हम इधर आ जाएं तो इधर भी आपको कप होल्डर मिल जाएगा। और नीचे कुछ फीचर्स की बात करें तो इकोन का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह है और पावर स्टीयरिंग है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। बाकी इसके ORVM के रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, उसके साथ साथ विंडो लॉक का बटन है, ड्राइवर साइड विंडो ऑटो है, बाकी तीनों पावर विंडो और डोर ओपनर, वुडन ट्रिम। यार मुझे इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं। और एयरबैग्स की बात करें तो मैं हमें पीछे भी आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे, अराउंड 6 एयरबैग इसमें दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ग्लव बॉक्स को ओपन करें तो डीप काफ़ी है लेकिन यह है कि छोटा सा ही है। बाकी नीचे भी स्पेस दी गई है जैसे कि आप देख सकते हैं, दो ग्लव बॉक्स हैं। और अगर हम इसको ओपन करें भाई ये इस तरह, तो यहाँ पर अपने कोई शॉपर वगैरह लटका सकते हैं आप। और बाकी मुझे तो यार गाड़ी में एक एक चीज़, किस चीज़ को मैं टच कर रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है बाकी यार वो क्वालिटी वाली चीज़ है। बाकी गाड़ी भी कम चली हुई है और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और ऑलमोस्ट हमने आपको इंटीरियर से सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब बाहर चलते हैं और बाहर चल के आपको इस गाड़ी की डिटेल बता देते हैं। तो ये होंडा N1 है और तलहा मोटर G8 में फॉर सेल अवेलेबल है। और अगर मॉडल की बात करें 2019 मॉडल है और 2021 की 2021 की फ्रेश इंपोर्ट है ये गाड़ी। और अगर हम प्राइस की बात करें चलें तो इसकी जो डिमांड की जा रही है तलहा मोटर्स पे वो 23 लाख रुपए है, 23 लाख रुपीज़। जिस बंदे ने बाई करनी है तलहा मोटर G8 में विज़िट कर सकता है। और गाड़ी तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी दिखा दी है, फीचर्स के बारे में जो जो मुझे नज़र आए मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो लेने से पहले यहाँ पे आपकी प्रॉपर आप गाड़ी को चेक करें, या मैं आपको जैसे कि पहले बताया ऑनलाइन फैसिलिटी को यूज़ करते हुए गाड़ी को चेक करवा सकते हैं। और चेक करवाने के बाद पूरी तसल्ली के बाद आप गाड़ी को बाई कर सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यार आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, हम कोशिश करते हैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेके आ सकें। और इंशाल्लाह हम आपके लिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ कवर करेंगे। चलें आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।